अनंतकारी शासनेश प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। अनंतकारी पूज्य गुरु भगवंत जिन्होंने साधना मार्ग पर आगे बढ़ाया, अनुपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में नमन वंदन। और आप सभी के भीतर विराजित परमात्म तत्व को नमन। विषय को निरंतर आगे बढ़ाए, पुनश्च उसी विषय को जो सबकी जिज्ञासा थी भीतर में कि क्रोध आता है तब क्या करें, और यदि दोष दिखते हैं दूसरों के तो हमको क्या करना चाहिए, इन्हीं विषयों को थोड़ा देखने का प्रयास करें। एक बार संत विहार कर रहे थे, और जब संत विहार कर रहे थे उनके साथ उनका शिष्य भी था। बढ़ रहे थे रास्ते पर आगे, और शिष्य ने जो ही एक कसाई को देखा कि ये कसाई इतनी हत्या कर रहा है, इतनी हिंसा कर रहा है, तो ये कसाई कहाँ जाएगा? उसके भीतर में जिज्ञासा जगी। उसने अपने गुरु से प्रश्न की, गुरुदेव ये कसाई काल करके कहाँ जाएगा? गुरु मौन रहे, गुरु ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। शिष्य के भीतर में जिज्ञासा बढ़ती गई। पुनश्च थोड़े दूर आगे चलने पर पूछ लिया, गुरुदेव वो कहाँ जाएगा? वो काल कर जाए तो कहाँ जाएगा? वो काल करके कहाँ जाएगा? तब गुरु फिर मौन रहे, और मौन रह करके आगे बढ़ते गए, पर शिष्य से रहा नहीं गया। बाल था, नया नया दीक्षित था, बच्चा ही था, बहुत बड़ी उम्र नहीं थी, तो भीतर में उत्सुकता भी बहुत जग रही थी। गुरु फिर मौन रहे, गुरु से पूछा, उसने फिर पूछा कि ये कसाई मरकर कहाँ जाएगा? फिर मौन। और जब आगे बढ़े, स्थानक में पहुंच गए, पहुंचते ही देव दुंदुभी बजने की आवाज आई। आवाज सुनी और उसने फिर पूछा गुरु से कि गुरु ये क्या है, किसकी आवाज है, देव दुंदुभी कैसे बज रही? बोले जो आप पूछ रहे थे कि कसाई मरकर कहाँ जाएगा, उस कसाई को केवल ज्ञान हो गया है। कसाई को केवल ज्ञान हो गया? बोले वो तो इतनी हिंसा कर रहा था, इतने जीवों को मार रहा था, इतने जीवों को पीड़ा पहुंचा रहा था, और फिर वह मरकर कहाँ जाएगा ये मैं पूछ रहा था, और उसके पहले उसको केवल ज्ञान हो गया, कसाई को केवल ज्ञान। और मैंने संयम लिया, दीक्षा ली, इतने मेरे 2 वर्ष हो गए, और मेरे 2 वर्षों में भी मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ। मैं इतनी साधना कर रहा हूं, मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ, और वो हिंसा कर रहा था कुछ क्षण पहले तो, और उसको केवल ज्ञान हो गया, क्या बात है गुरु? गुरुदेव ने फरमाया उसके भीतर में इतनी व्याकुलता थी, इतनी पीड़ा थी, मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मुझे इन जीवों की हिंसा करनी पड़ रही है, इतनी पीड़ा थी, कर रहा था पर पीड़ा थी। और उसके पश्चात पीड़ा से मन भीग गया, और अंतर मुहूर्त में तो उसने अपनी शुद्धि कर ली, उसने अपने सारे दोषों की शुद्धि कर ली, और उसी क्षण उसको केवल ज्ञान हो गया। हमने आज तक कितनी साधना की, हम केवल अपने आप को देखें। जब वो बाल मुनि गुरु से सुन रहा था, तब फिर उसने कहा, गुरुदेव उसको केवल ज्ञान हो गया और मुझे क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ? वो चला गया, अकेले में चला गया, अंदर रूम में जाकर बैठ गया,
चिंतन करने लगा, अरे वो कसाई को केवल ज्ञान हो गया, मैंने ऐसे क्या पाप किए, आत्मा भर गई। इतनी व्याकुलता भीतर में, इतना सम्यक गुण भीतर में पैदा हुआ, और शुद्धि करते करते, आलोचन करते करते सारी परतें उखाड़ कर फेंक दी। और फिर धुंधुभी की आवाज आई, गुरु ने उपयोग लगाया, अरे शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, इस बाल मुनि को केवल ज्ञान हो गया। तब फिर गुरु के भीतर में वो अग्नि जगी कि अरे ये क्या हुआ, कसाई को केवल ज्ञान, बाल मुनि को केवल ज्ञान, और मैंने आज तक कितना लंबा संयम पर रह पाला, मैंने कितना लंबा दीर्घ काल तक मैं संयम का पालन करता रहा, मैंने इतनी इतनी साधना की, इतना तपश्चरण किया और मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ। भीतर में पीड़ा जगी, पीड़ा जगते 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 परते पर परते उखड़ने लगी, शुद्धि होने लगी, आलोचन होने लगा, प्रायश्चित हुआ, और वहां पर गुरु को भी केवल ज्ञान हो गया। क्या बताती है ये घटना? ये घटना बताती है कोई जीव पापी नहीं है, पाप बुरा है पर पापी बुरा नहीं है। पाप बुरा है क्योंकि पापी व्यक्ति सुधर सकता है, पाप त्रिकाल में पाप ही रहेगा, पाप कभी पुण्य में नहीं बदल सकता, पर पापी जीव धर्मात्मा हो सकता है। तो हमको, हम जो आज तक दूसरे की बुराई करते आए, तो हमने दूसरों के पापों को देखा और हमने पापी की बुराई कर ली, पाप की बुराई नहीं पापी की बुराई करने लगे। एक संत के पास उनके अपने शिष्य आए और बोलने लगे कि हमने आपकी बहुत बुराई सुनी, वो दूसरे संत आपके बारे में ऐसा, दूसरे व्यक्ति आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे कि आप ऐसे हैं वैसे, आपकी बुराई कर रहे थे, हमसे सहन नहीं होता है, कोई आपकी बुराई करे तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो संत ने समझाया कि भाई वो बुराई कर रहा है, वो किसकी बुराई कर रहा है, वो यदि आत्मा की बुराई कर रहा है तो मेरी और उसकी आत्मा समान है, आत्मा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, मेरी आत्मा और उसकी आत्मा समान है, वो अपनी बुराई कर रहा है। और यदि कोई शरीर की बुराई कर रहा है तो फिर शरीर की बुराई तो मैं भी करता हूं, ये शरीर अनित्य है, ये शरीर अशरण है, ये शरीर दगाबाज है, ये शरीर धोखेबाज है, ये रहने वाला नहीं है, इसकी बुराई तो मैं भी करता हूं। तो शरीर की बुराई करता है तो मैं भी करता हूं, और आत्मा की बुराई करता है तो वो भी। हमारा अपना दृष्टिकोण सही हो कि हम केवल सकारात्मक पहलू को ढूंढे, हम नकारात्मक पहलू को नहीं ढूंढे, ये हमारे जीवन में ये हमारी आदत ही बन जाए। क्योंकि बुराई करने वाले से अधिक बुरा है कि जो दूसरे की बुराई देखता है, जो दूसरे को बुरा समझता है, क्योंकि बुरा व्यक्ति तो अगले क्षण ही सुधर सकता है, पर जो हम बुराई कर रहे हैं तो हमने अपने आप को उस समय बुरा बना लिया है, तो हम दूसरों के कारण अपने आप को बुरा बना लेते हैं। सामने वाला हो नहीं हो पर हम तो उस समय बुरे हो ही जाएंगे। अतः हमको जागृत रहना होगा कि हमको क्या करना है, हमको किसी की बुराई करनी है। यदि हमको दूसरे के दोष दिखते, गुरु भगवंतों ने बहुत सुंदर फरमाया, यदि अपनी सीढ़ियां ही मैली है तो दूसरों के छत पर रहे कूड़े की आलोचना मत कीजिए। यदि अपनी सीढ़ियां ही मैली है तो दूसरों के छत पर पड़े कूड़े की आलोचना मत कीजिए,
ये अधिकार हमको नहीं है कि दूसरे के छत पर क्या पड़ा है। जब तक हमारे भीतर मैल है, हमारे भीतर इतना कचरा जमा हुआ है, तो उसकी शुद्धि करनी है। सबसे पहले तो शुद्धि के लिए हमको आलोचन करना है। इसलिए गुरु भगवान बहुत सुंदर सूत्र फरमाते हैं, जो दूसरों का देखोगे वो पाओगे, अपना जो देखोगे वो गुमाओगे। दूसरों का जो देखोगे वो पाओगे और अपना जो देखोगे वो गुमाओगे। यदि हमने दूसरे के दोष देख लिए तो फिर दूसरे के दोष हमारे भीतर में आएंगे। दूसरे के दोष देख लिए हमने तो दूसरों के दोष तो हमारे भीतर आने वाले हैं, और हम जो अपने यदि दोष देखेंगे तो उनको घुमाएंगे, यानी वो खत्म होते जाएंगे। तो हमको क्या करना है? केवल स्वदोष दर्शन करना है, परदोष दर्शन नहीं करना है। और यदि हम दूसरों के गुण देखेंगे तो वो हमारे भीतर आएंगे, और अपने भीतर जो दोष है उनको देखेंगे तो वो हमारे खत्म होते जाएंगे। गुण देखेंगे तो वो भी खत्म होते जाएंगे। तो हमारे भीतर यदि गुण है, जो स्वयं के देखने लग गए गुण, तो वो खत्म होते जाएंगे। इसलिए हमको तो अपने दोष देखना है और दूसरों के तो हमको गुण देखना है। हमारी दृष्टि ऐसी बन जाए कि हमको दूसरों के केवल गुण ही गुण नजर आए, दोष नजर ही नहीं आए। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी सोच सकारात्मक हो, हमारी दृष्टि सही हो, सम्यक दृष्टि हो। हम सम्यक दृष्टि कैसे बने? सम्यक दृष्टि की नजर में क्या होता है कि उसको सारे भोग रोगवत लगते हैं, कि ये भोग हमारे उपयोग के नहीं है, ये भोग हमारे लिए बहुत घातक है, ये भोग संसार परिभ्रमण का कारण है। तो उसकी दृष्टि भोग में नहीं अटकती है, उसकी दृष्टि फिर योग की तरफ बढ़ती है, और उसको योग की तरफ जब दृष्टि बढ़ती है तो उसकी उसको सबकी आत्मा समान नजर आने लगती है, कि सारे जीव समान है, किसी जीव में कोई अंतर नहीं है, कर्म का मात्र अंतर रहा हुआ है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, सबकी आत्मा समान है, चाहे जीव छोटा हो, चाहे जीव बड़ा हो, चाहे जीव कैसा भी हो, चाहे चींटी का जीव हो, चाहे हाथी का जीव हो, सबकी आत्मा समान है। सबसे पहले हमारी दृष्टि में परिवर्तन होना चाहिए, तब हम जाकर के दोष पर से अपनी दृष्टि हटाएंगे और गुणों पर अपनी दृष्टि लगती है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। क्रोध को जीतना है तो भी महत्वपूर्ण क्या है कि हमारे भीतर में त्याग और वैराग्य जगेगा तो हम क्रोध से बच पाएंगे। जैसे कि अब सबसे पहले बताया कि क्रोध आत्मा के गुण को नष्ट करता है। कोहो पीम पड़ासी, क्रोध प्रीति का नाश करता है। प्रीति आत्मा का गुण है, तो ये क्रोध विकृति है। तो इस विकृति से कैसे बचे? तो इस विकृति से बचने के लिए बताया कि क्रोध से बचने के लिए सबसे पहले हमारी कामनाएं समाप्त हो जाए। हमारी कामनाएं कैसे समाप्त हो? कामना से जो सुख मिलता है, उस सुख को हम सुख समझते हैं, तब तक कामनाएं जीवित रहती है। कामना से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से स्मृति भ्रंश होता है, यानी हमारी स्मृति कमजोर होती जाती है। तो क्रोध से स्मृति भ्रंश होता है, और स्मृति भ्रंश यानी पागलपन आदि सब बीमारियां उसमें फिर समाविष्ट हो जाती है। तो जो कामनाएं है भीतर में, और पुद्गल पर दृष्टि है कि पुद्गल से सुख चाहिए, चार कारण बताए ठाणांग सूत्र में। क्रोध के चार कारण कि क्षेत्र के कारण, वस्तु के कारण, शरीर के कारण और उपधि के कारण क्रोध आता है। अब जो क्षेत्र के कारण आता है, जमीन जायदाद, जमीन के कारण, ये मेरी जमीन थी, इसने कैसे ले ली, और यहाँ उदारता रहेगी तो ये समस्या पैदा नहीं हो सकती। उदारता का अर्थ ये नहीं है कि किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाना, मात्र इतना सा उदारता का अर्थ नहीं है। उदारता का अर्थ है कि किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाना
और दुख को देखकर दुखी हो जाना। सुख को देखकर यदि हम सुखी हो गए तो हमको फिर जमीन की वस्तु की कोई आवश्यकता ही शेष नहीं रहेगी, क्योंकि हम उससे सुख लेना चाहते हैं। हमारा चित्त अशुद्ध इसीलिए होता है। वस्तु का महत्व, वस्तु का राग, वस्तु की कामना और वस्तु का दुरुपयोग जब तक होता रहेगा तब तक हमारा चित्त शुद्ध शांत नहीं रह सकता है। शुद्ध शांत तभी रह सकता है जब हम वस्तु से ऊपर उठे। अब क्षेत्र को लेकर कितनी लड़ाई झगड़े, कितना क्रोध, कितना तनाव पैदा हो रहा है, भाई भाई में दरार पड़ रही है। हम न्यायालय तक पहुंच जाते हैं, मेरा घर है, मेरा बंगला है, मुझे दिया था, उसने कैसे ले लिया, 2 गज जमीन के लिए कितने लड़ाई, कितने वर्षों तक तनाव, कितने सालों तक हम चक्कर काटते रहते हैं, यहाँ जाते वहां जाते, अरे मेरी जमीन है, मेरी जमीन है। दो भाइयों में लड़ाई हो गई और जब पता चला जो छोड़ सकता है वो मालिक है। दो भाइयों में लड़ाई हो गई, पिताजी ने मेरे नाम पर ये बंगला किया था और भाई आज देने के लिए तैयार नहीं है। दोनों में लड़ाई हो गई, क्रोध की आग में वे दोनों झुलसने लगे, परस्पर में संघर्ष बढ़ गया। और जब संघर्ष बढ़ गया तो फिर एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं आ रहा था। जब एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं था तो दूसरा भाई अलग होकर रहने लगा और छोटे से घर में चला गया। और एक दिन जब संतों के प्रवचन सुनने गया तो संतों ने यही उपदेश फरमाया, जो छोड़ सकता है वो मालिक है। मालिक कौन है? जो छोड़ सकता है। यदि मैं 1,00,000 रुपए को छोड़ सकती हूँ तो समझना चाहिए कि हम 1,00,000 रुपए के मालिक है। और यदि हम 1,00,000 रुपए को नहीं छोड़ सकते हैं तो समझना चाहिए हम 1,00,000 रुपए के दास बन गए हैं। करोड़ों रुपए हो चाहे जमीन जायदाद हो, हम उसके दास नहीं बने, हम उसके स्वामी बने, हम उसके मालिक बने। और जब हम मालिक बन जाते हैं, अब यह स्थिति हुई, जो छोड़ सकता है वो मालिक है, शब्द कानों में गूंजने लगे छोटे भाई के भीतर में कि अरे जो छोड़ सकता है वो मालिक है, तो मुझे नहीं चाहिए घर, चाहे मेरा बड़ा भाई रहे तो क्या, मुझे इसमें क्या एतराज है। उसके भीतर में चिंतन चलने लगा कि अरे वो उसके सुख में मुझे सुखी हो जाना है। तो बस धारा बदली और रात ही रात बड़े भाई के घर पहुंच गया अपनी पत्नी को लेकर के। रातों रात जब बड़े भाई के घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, बड़े भाई ने पूछा कौन, तो बोले मैं आपका छोटा भाई। अरे यहाँ क्या करने आया है, चला जा पटरी के नीचे, तेरा काम हो जाएगा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वर्षों से झगड़ा चल रहा हो। तो ऐसे ही शब्द निकलेंगे। तो जब शब्द निकले फिर भी हताश नहीं हुआ और फिर उसके पश्चात जब बड़े भाई से बहुत विनती की, बड़े भाई ने दरवाजा खोला और कोई समय नहीं मिला, यही समय था। फिर उसने बात बताई, भैया मुझे अब कमरा नहीं चाहिए, मुझे अब बंगला नहीं चाहिए, मुझे अब आपके दिल में स्थान चाहिए, मुझे अब आपके दिल में स्थान चाहिए। गंगा जमुना बहने लगी, दोनों भाई रोने लगे, दोनों भाइयों की पत्नियां रोने लगी कि अरे वर्षों से हम जिसके पीछे झगड़ रहे थे। तो बड़े भाई ने कहा अरे मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो पिताजी तेरे नाम पर बंगला करके गए थे और मैं पीछे मुकर गया, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई। ये बंगला पूरा मैं तेरे नाम तो है ही, अब मैं तुझे सुपुर्द कर देता हूं। कैसी उदात्त भावना आई, तो कितनी भीतर में खुशी होती है। तो जो खुशी का माहौल बना, एक दूसरे को क्षमा कर दिया, एक दूसरे के प्रति उदारता रखी और जो अपनी वस्तु का सदुपयोग करना प्रारंभ कर देता है, दुरुपयोग से बचता है। अरे ये वस्तु संसार की है और संसार में ही रहने वाली है, ये शरीर भी एक वस्तु है, शरीर भी संसार की वस्तु है, ये हमारी मिल्कियत में है ही नहीं, ये तो सड़न गलन विध्वंसन वाला ही है, तो इस पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो जब फिर हम इस पर भी अधिकार नहीं तो संसार की किस वस्तु पर हमारा अधिकार हो सकता है।
तो संसार की जब किसी वस्तु पर अधिकार नहीं है तो संसार की वस्तु को हम सभी जीवों के लिए लुटाते चले जाए, स्वयं उसका उपयोग करें और उसका उपयोग सामने वाले के भी लिए करते चले जाए, उसका कहीं दुरुपयोग होने न पाए, तो फिर हमारी भावना शुद्ध होती चली जाएगी। केवल वहां वस्तु का सदुपयोग करना है, क्योंकि जो मिला है कोई साथ ले जाने वाला नहीं है, सब यही रहने वाला है, और जो उसका सदुपयोग कर लेगा, मिले हुए का सदुपयोग करना पुण्य तत्व है। हमको पुण्य की कमाई करनी है, पुण्य की कमाई करनी है। तो ये सीधा सादा तत्व बताया कि तत्व किसे कहते हैं। पुण्य तत्व यही है, जो मिला है उसका सदुपयोग करना है। तन मिला, शरीर मिला हमको, उसका सदुपयोग करना है। मन मिला, शुभ भावना बानी है, हर क्षण शुभ भावना बानी है, तो हमने उसका सदुपयोग किया। और यदि क्रोध किया, मान किया, माया की लोभ किया, हमने उसका दुरुपयोग कर दिया। तो दुरुपयोग किया तो पाप बंधने ही वाला है, सदुपयोग किया तो पुण्य बंधने वाला है, और ये पुण्य हमको आगे बढ़ाने वाला है। तो जो जो मिला, मन मिला, इंद्री तन मिला, इंद्रिया मिली, मन मिला, बुद्धि मिली, तो बुद्धि का सदुपयोग कि दूसरों को हम बताएं, जानकारी कर दे, उसको उसको शिक्षा में सहयोग प्रदान करें, तो हम बुद्धि का सदुपयोग कर सकते हैं। और फिर हमको जो जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उस सामग्री का सदुपयोग करके, जो आहार मिला तो आहार का सदुपयोग हम के लिए, तो श्रेष्ठ रूप से उपयोग किया, तो पान पुण्य, पानी घर में लबालब भरा पड़ा है तब पुण्य नहीं होने वाला है, और जब हम दूसरों को देंगे तब उसका सदुपयोग होगा। कटोरदान में रोटियां भरी पड़ी है उस समय हमारा पुण्य नहीं होने वाला है, पर यदि शुभ भावों से यदि किसी को खिलाई, वहां पे भी आवश्यक है शुभ भाव, वहां ये नहीं कहा कि किसी भी भाव से खिला दिया जाए तो पुण्य नहीं होगा, क्योंकि कोई एक भाई कुत्ता कोई एक भाई घर से निकला, कुत्ते के लिए रोटी लेके निकला और कुत्ते को रोटी दी और उसके भाव से ये कुत्ता मर जाए, बहुत भोगता है, बहुत परेशान करता है, तो वहां पुण्य नहीं होने वाला है, अन्न पुण्य नहीं होगा, वहां पर पाप ही होगा, क्योंकि उसके भाव खराब है। और वही भाव है कि अरे ये भूखा है, बहुत दिन हो गए भूखा है, कोरोना के दौरान देखा बहुत सुने, कुत्ते रोते थे, बिल्लियों की रोने की आवाज आती थी रात में, कभी कभी तो गाय के रोने की आवाज आती थी, दिन भर के भूखे प्यासे वो भी रोते थे, तो उनको भी आवश्यकता थी। तो हम यदि देखें तो ये पुण्य तत्व, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, ये पांच पुण्य है जो हमको, जो पुण्य तो है पर ये पराधीन है, यानी इसमें सामग्री चाहिए, लेने वाला चाहिए, देने वाला चाहिए, क्षेत्र चाहिए। हम रात में 12 बजे किसी को जाकर के रोटी खिलाने के लिए गए तो कोई मिलने वाला नहीं है, तो क्षेत्र भी, काल भी चाहिए उसके लिए, और इनमें तो पराधीनता है। पर मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य, ये चार पुण्य स्वाधीन है, इसकी कमाई हम हर क्षण कर सकते हैं, इसकी कमाई हम हर क्षण कर सकते हैं। और जितना हम सामग्री का उपयोग करते चले जाएंगे और मन वचन काया का सदुपयोग करते जाएंगे, उतना उतना धर्म स्वतः ही होने लगेगा। मन वचन और काया पुण्य जो है, ये मन वचन काया विनय के अंतर्गत भी है। मन वचन काया को संवर वश में करे तो संवर भी घटित होता है, मन वचन काया को बाहर जाने से रोके और अंतर्मुखी बनाए तो प्रतिसलिनता तब भी होता है। तो मन वचन काया तीन योग है जो हमको संसार से जोड़ते हैं, और यदि इन योगों पर हम नियंत्रण कर ले तो हम अपनी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। मन वचन काया इन तीन से ही हम संसार से जुड़ते हैं, और यदि कषाय का प्रभाव इन योगों पर रहा तो हम संसार में भटकते हैं, और यदि उपयोग का प्रभाव रहा मन वचन काया के ऊपर तो फिर लगाम लगी हुई रहती है और हम अंतर्मुखी बनते चले जाते हैं। विनय होगा, पुण्य होगा, संवर होगा, प्रतिसलिनता तप की आराधना होगी, तो हम आराधना की तरफ बढ़ते चले जाते। अब हम देख रहे थे
क्रोध जो आता है, क्रोध आता है तो उस समय हमारी स्थिति क्या होती है? हमारे भीतर में जितनी कामनाएं रहती है, कामनाएं क्रोध को बढ़ाती है, जो हम देख रहे थे कि कामना से क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामना है ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, अपेक्षा है कि ये मेरे साथ अच्छी तरह से बात करे, नहीं की ये हमारा ध्यान रखे और नहीं किया तो हमको दुख होगा ही होगा। कामना ये जुड़ी भी एक क्षेत्र वस्तु शरीर से बताया कि उपाधि, क्रोध का चौथा कारण है उपाधि, यानी कि जब मान सम्मान की पूर्ति नहीं होती है, कामना रहती है कि मेरा सम्मान हो और सम्मान नहीं होता है तो भीतर में क्रोध की आग सुलगने लगती है। ये जो आग सुलग रही है क्रोध की, हमको कारण की खोज पर जाना पड़ेगा। हम केवल ऊपर ऊपर से इन कषायों को नहीं जीत सकते। हम चाहते हैं क्रोध नहीं आए, पर होता यह है कि जो कषाय है उसके पीछे जो सुख भोग हम करते हैं, इस सुख भोग के कारण कषाय हमारे समाप्त नहीं होते। हमने कैसे सुख भोग किया? जब हमको क्रोध आया और उसके पश्चात हमको अपने मन के माफिक वस्तु मिल गई, या मन के अनुकूल हमको परिस्थिति मिल गई, घर में गए, जरा सा डांट दिया, क्रोध किया, फटकार दिया और सब हमारे अनुकूल हो गए, तो जो सब हमारे अनुकूल हुए तो हमको भीतर में सुख की अनुभूति होती है कि देखो मैंने जरा सा डांटा, सब मेरे अधीन हो गए। अरे मैं तो जैसे ही पैर रखता हूँ घर में तो देखना सबकी क्या स्थिति होती है, सब मेरे लिए कितना करते हैं। अरे कितना क्रोध है भीतर में, और उसका सुख भोग जब तक चलता रहेगा कि मैंने अच्छा कार्य किया, देखो मेरे से सब डरते हैं, तब तक क्रोध समाप्त होने वाला नहीं है। और दूसरी बात क्या आती है कि उस थोड़ा बहुत तो सबको ही आता है, इंसान है, छद्मस्त है, आएगा ही, तो हम क्रोध को नहीं जीत सकते। क्रोध आया तो हमने उसमें संतोष कर लिया कि क्रोध आता है मुझे, ये हम स्वीकार नहीं कर रहे, हम तो ये कर रहे हैं, मुझे ज्यादा क्रोध नहीं आता, संतोषी संतोषी हो गए वहां पे। तो जहां कषायों में संतोष आ गया तो उनको निकालने का रास्ता रुक गया, तो हमको संतुष्ट नहीं होना है। एक छोटी सी चिंगारी भी दावानल सुलगा सकती है, एक छोटी सी चिंगारी भी कितनी बड़ी आग के रूप में परिणत हो जाती है। तो हमको एक इस छोटे से क्रोध को भी, यानी कि बहुत सुंदर फरमाते अनुभवी, मंद कषाय अच्छे नहीं है, कषायों की मंदता अच्छी है, कषाय का मंद होना अच्छा है, पर मंद कषाय अच्छे नहीं है। मंद कषाय यानी मेरे कषाय मंद है, इस न क्रोध है, मान लो मुझे ऊपर महसूस ही नहीं हो रहा, न क्रोध आ रहा है, न मान आ रहा है, न माया है, न लोभ है, मंद कषाय है इस समय, तो हम संतुष्ट है। अरे नहीं मेरे तो मंद कषाय है, तो हमको कुछ करने का फिर भीतर में वो कोई भावना नहीं रहेगी, भीतर में वो व्याकुलता नहीं रहेगी, भीतर में वो संवेग कुंड नहीं रहे कि अरे इस क्रोध मान माया लोक को समाप्त करना, इसके प्रति जागृति नहीं है। और जब कषायों का मंद होना अच्छा बताया कि जो जो हमारे कषाय मंद होते जा रहे हैं, कम 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 होते जा रहे हैं, तो विशुद्धि बढ़ती जा रही है। इसीलिए कहा कषायों की मंदता अच्छी है, पूर्व क्षण से उत्तर क्षण में क्रोध का मान का कम होना विशुद्धि है, और स्थिर रहना तो वो उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए मंद कषाय अच्छे नहीं है, पर क्रोध को कौन जीत सकता है, क्रोध पर विजय कौन मिला सकता है? तो बताया कि जिसकी पुद्गल पर दृष्टि नहीं है, क्योंकि हमने कारण को देखा, क्रोध के कारण चार है, क्षेत्र वस्तु शरीर और उपाधि, ये चार कारण क्रोध के बताए। तो क्रोध पर विजय वही प्राप्त कर सकता है, क्रोध पर
विजय वही प्राप्त कर सकता है जिसकी पुद्गल पर दृष्टि नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसकी पुद्गल पर दृष्टि नहीं है। यानी कि आज हमारी दृष्टि कैसी हो गई? मैचिंग वाली दृष्टि है, मैचिंग चाहिए। अगर ड्रेस है तो हम मैचिंग देखते हैं, बिंदी मैचिंग चाहिए, सब कुछ मैचिंग चाहिए, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, जो जो आप देखते हैं मैचिंग में, सब मैचिंग चाहिए। तो समझना क्रोध आ सकता है, भीतर में क्रोध अभी जीवित है, क्योंकि हमारी दृष्टि कहाँ है? पुद्गल पर। खाने में मैचिंग, खाने में मैचिंग जो हमने पिछली बार देखा, दाल बाटी खाने की आदत है और बाटी के साथ कढ़ी पुरस दी, तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी? और पास्ता बनाया और मान लो पानी रख दिया पानी पूरी का, तो चलेगा नहीं चलेगा? ये नहीं चलेगा तो समझना क्रोध अभी जीवित है, आ सकता है, वो कभी भी उफन सकता है, क्योंकि दृष्टि क्या है? पुद्गल पर है, उससे रस लेना चाहते हैं हम, और जब तक पुद्गल से हम रस लेना चाहते हैं, क्रोध पर कैसे विजय मिलाएंगे? क्योंकि जरा सा कुछ हुआ, जरा सी कुछ परिस्थिति प्रतिकूल हुई, तो तुरंत ये सांप की तरफ फुफकार मारने लगता है, ये सांप की तरफ फुफकारता है, और हम क्रोधी हो जाते हैं। इसके पीछे कारण ये है, हम गहराई में नहीं जाते, सामने वाले ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, इसकी गहराई में नहीं जाना चाहते और नहीं जाते हैं, इसलिए क्रोध आता है। एक बार क्या हुआ, संत विहार कर रहे थे, विहार करते करते नदी के किनारे बैठकर पानी पीने लगे। नदी सूखी थी वैसे, पर नदी में बैठकर पानी पीने लगे, और इधर गांव वालों को पता चला कि संत पधारने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम अगवानी के लिए जाएं, संत पधार रहे। तो वे जैसे ही गांव से निकले तो उनको एक दूध वाला मिल गया, तो उसने उनसे पूछा, अरे भाई संत मिले क्या आपको? बोले हाँ हाँ, वो नदी में बैठकर पानी पी रहे थे। और गांव वालों ने क्या किया, निकले फिर वापस घर आ गए, और वे संत विहार करके आए, उन्होंने देखा एक नेहा जी आप म्यूट हो गए हैं अभी अभी, विहार करके आ रहे थे संत, तो जब देखा कि हमेशा गांव वाले आते हैं, हमेशा वे लेने के लिए आते हैं, और आज ऐसा क्या हुआ कि एक भी श्रावक नहीं आया? दो दिन बीत गए, चार दिन बीत गए, कोई दर्शन करने तक नहीं आया। संत तो जब फिर घर गए तो पूछ ही लिया कि आए क्यों नहीं आप लोग, तो उन्होंने कहा कि जो सही रूप से आराधना नहीं करते हैं, सही रूप से साधुपना नहीं पालते हैं, हम क्या उनकी सेवा करें? बोले भाई बात क्या हुई, आप नदी में पानी पी रहे थे, नदी में पानी पीने वाले के लिए हम कैसे जाए? अरे भाई तो बात को तो समझो, नदी में पानी पी रहे थे, नदी का पानी नहीं पी रहे थे। नदी में पानी है क्या आपके? आपके यहाँ जो नदी बहती है उसमें पानी नहीं है, और क्या उस नदी का पानी पिएंगे? तो भोले भाई सोचते तो सही, जब नदी में पानी नहीं और नदी में बैठकर पानी पी रहे, नदी का पानी तो नहीं पी रहे, तो गहरे जाना होगा, किसी भी बात को समझना होगा, सामने वाले ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। अब हम आंखों से देख रहे, वो बात भी छूटी हो सकती है, आंखों से देख रहे कि एक बार पिताजी ने, एक भाई ने उसके बेटे का हाथ जोर से पकड़ रखा है, बेटा बहुत चिल्ला रहा है, हम आंखों से देख रहे और देख रहे कि इतना रो रहा है, इतना चिल्ला रहा है, और पिताजी छोड़ नहीं रहे, तो हम क्या कहेंगे? अरे ये तो क्रूर है, निष्ठुर है, दया नहीं है, बच्चे के प्रति इसके मन में कैसे भाव है, बच्चे को छोड़ता नहीं है, परेशान कर रहा है, तरह तरह के भाव आएंगे।
और यदि गहराई में जाने का प्रयास करे तो तब फिर पता चलता है कि ये जो भाई ने पकड़ रखा था आंखों देखी बात है, कानों सुने शब्द है, पर वो भी गलत है क्योंकि हमने और गहराई से नहीं देखा कि क्यों पकड़ रखा था। पकड़ इसलिए रखा था कि हाथ में फोड़ा हाथ में मवाद हो गई, तो उस मवाद को निकालने के लिए पिताजी ने बच्चे का हाथ पकड़ रखा था। हमने क्रिया को तो देखा पर क्रिया के पीछे रहे हुए भावों को नहीं देखा। भाव क्या है? भाव के पीछे विवेक होता है, उस विवेक को नहीं देखा। विवेक के पीछे लक्ष्य होता है, तब कोई क्रिया घटित होती है। हम केवल कर्ता को ऊपर ऊपर से देख कर रह जाते हैं, केवल ऊपर ऊपर की क्रिया को देख करके रह जाते हैं, तब हमारे भीतर में क्रोध सुलगने लगता है। ये हमारी केवल हम ऊपरी सतह पर जो सोच है उस सोच को बदलना होगा कि अरे उन्होंने ये कार्य किया तो इसके पीछे उनके क्या भाव है। ये हम जब तक नहीं जान सकते तब तक उस कार्य को गलत ठहराने का हमको कोई अधिकार नहीं होता है। हम क्रोध को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले क्षमा करना आना चाहिए। तो क्षमा जो धातु है वह धातु भी समर्थ अर्थ में है। क्षमा का अर्थ है समर्थ। जो समर्थ होता है वही क्षमा कर सकता है। जो असमर्थ है, जो शक्तिहीन है, जो नहीं है, वही दूसरे को क्षमा नहीं करता और क्रोध में सुलगता रहता है। हम कब तक इस क्रोध में सुलगना चाहते हैं? भगवान कहते कसाया किण उक्ता सूय सील तवो जलम। हम कषाय की अग्नि में जल रहे हैं और उसको जीतने के लिए श्रुत शील और तप का जल उस पर डालना होगा, उस अग्नि पर। अब हमारी क्या स्थिति है कि श्रुत शील और तप का जल उस अग्नि पर डालते हैं हम या क्या करते हैं? हमारे भीतर में बारूद भरा पड़ा है। जैसे ही कोई बाहर से चिंगारी आई, चाहे किसी भी निमित्त से क्यों ना आए, जरा सी चिंगारी आई तो हम उस चिंगारी पर पानी डालना भूल जाते हैं क्योंकि भीतर में बारूद भरा हुआ है। और जैसे ही चिंगारी आई तो वो बारूद को लगते ही स्फोट होने लगता है, विस्फोट होने लगता है। और हमने अपने भीतर कहे तो जल की टंकी भरना हम भूल गए। हमने अपने भीतर पेट्रोल की टंकी भरी, पेट्रोल की टंकी भरी और जैसे ही कोई आया चिंगारी लेके तो हम पेट्रोल पंप चला देते हैं। हम पानी का टैंक चलाना भूल जाते हैं, पेट्रोल पंप चलाते हैं। तो जब पेट्रोल पंप चलाना प्रारंभ कर दिया तो तू भी जल मैं भी जलूं, तू भी जल अग्नि से कषाय की अग्नि से और मैं भी जलूं। और यदि पानी डाल देंगे तो क्या होगा? तू भी शीतल मैं भी शीतल, तू भी शीतल मैं भी शीतल। एक उदाहरण याद आया कि एक भाई जब पिताजी का अंतिम समय था तो अंतिम समय में पिताजी ने दो रत्न दिए। बोले कौन सा असली है कौन सा नकली मुझे नहीं पता। तो बोले कि इसमें एक असली एक नकली है। तो उस भाई ने सोचा राज दरबार में जाता हूं और पूछता हूं कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, अगर कोई इसकी पहचान कर देगा तो मैं उसे इनाम दूंगा, नहीं तो मुझे राजा को इनाम देना पड़ेगा। तो राजा ने ये बात मान्य कर ली और कोई पहचान नहीं सका कि कौन सा असली रत्न है और कौन सा नकली रत्न है। हुआ ऐसे कि वो कई राज दरबार में गया, जहां जा गया सब जगह यही हालत, कोई पहचान नहीं पाया। फिर एक राजदरबार जो ठंड के दिनों में बाहर धूप में लग रहा था वहां वो पहुंचा और पहुंचते ही उसने अपने रत्न दिए। रत्न देने के पश्चात सभी जोरी आए, मुंह लटका के चले गए, हाथ लगाते रहे पर कोई पहचान नहीं पाया। अंत में एक वृद्ध जोरी आया, अंधा था, और आया उसने हाथ से दोनों को टटोला
बोले ये असली है ये नकली है, उससे जिज्ञासा की आपने ये कैसे पहचाना ये असली है ये नकली है। बोले भाई जो ठंडा है वो हीरा है और ये जो गर्म है वो कंकर है पत्थर है। जो ठंडा है वो हीरा है, जो हर परिस्थिति में ठंडा रहता है वो हीरा है, वो साधक है, वो कषायों पर विजय मिला सकता है। जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, हर परिस्थिति में जो ठंडा रहता है वो हीरा है, वो साधक है। और जो गर्म हो जाता है, जो बार बार उफनता है, जो हर प्रतिकूल परिस्थिति आते ही परेशान हो जाता है, परेशान होकर इतना चिल्लाने लगता है, दुखी हो जाता है, वो कंकर है पत्थर है, उसकी क्या कीमत। हमको जीतना है, क्रोध को जीतना है, तो हमको सबसे पहले सामर्थ्यवान बनना होगा। हमारे भीतर में सहन करने की शक्ति आए तो हम क्रोध पर विजय मिला सकते हैं। यदि सहन करने की शक्ति नहीं आई तो हम अनुकूल परिस्थिति आती खुश हो जाते, प्रतिकूल आती दुखी हो जाते, क्योंकि उसको सहन करने की क्षमता हमारे भीतर में नहीं है। हमारे भीतर में सहन करने की क्षमता आ जाए, सहन शक्ति का विकास ही जीवन का विकास है। सहन किए बिना कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए हमारी साधना है सहई खमई तितिक्खई, जो सहन करता है वही क्षमा कर सकता है। इसलिए हम सबसे पहले सहन करना सीखे और हमारी दृष्टि ये हो जाए कि जगत की सेवा करनी है तो जगत की सेवा के लिए गुरु भगवंतों ने फरमाया कि किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को का बुरा नहीं करना और किसी का बुरा नहीं सोचना, तो हो गई जगत की सेवा। किसी को बुरा नहीं समझना सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं करते ना ही हम किसी का बुरा सोचते हैं। इन दोनों से तो बचपन से बचने की आदत, जैन संस्कार मिलने से हम इससे परे रहे, इससे ऊपर उठते रहे कि कोई मर जाए किसी का बुरा हो जाए, ऐसे भाव हमारे भीतर में नहीं आते। पर किसी को बुरा नहीं समझना हमारी साधना यह है, हमारी साधना यह है किसी को बुरा नहीं समझना। ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, इसकी चर्चा ही बंद हो जाए, इसकी वार्ता ही न करें। हमको केवल स्वयं को देखना है, स्वयं को जानना है, स्वयं का निरीक्षण करना है। ये जीवन मात्र मात्र इसीलिए मिला है, तो हमको जब ये सब इसलिए ये सब हमको जो मिला है कि किसी को हम बुरा समझना, इससे जब बचेंगे, कितने शिकायत के भाव आते हैं भीतर में, ये व्यक्ति ऐसा है ये व्यक्ति वैसा है, तो समझना हम राग द्वेष कर रहे हैं। शिकायत के भाव ही राग द्वेष है, शिकायत के भाव ही भीतर में नहीं आने पाए। तो संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी, संसार में सबसे बड़ा ध्यानी, संसार में सबसे बड़ा वीर, संसार में सबसे बड़ा दक्ष, संसार में सबसे बड़ा तत्वज्ञ वही हो सकता है जो किसी के साथ बुराई न करे। हमको अब किसी के साथ बुरा करना ही नहीं है, बुराई करनी ही नहीं है। किसी पर हम क्रोध करते हैं तो हम दूसरे को भी हम दुखी करते हैं, तो अब हमको बुराई करनी ही नहीं है। स्वयं को ही सजग रहना होगा, दूसरा कोई भी हमको सजग नहीं कर सकता, रास्ता दिखा सकता है, हमारे मार्गदर्शक बन सकता है, पर जागृति हमको स्वयं को रखनी होगी। बहुत लंबा विषय, क्रोध आए तब क्या करें, क्रोध आए तब और कुछ दो तीन बातें हम उसको देखें कि कोई प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है तो ये समझे कि हमारे पुण्य में कमी है, हमारे भाग्य में कमी है, उसका कोई दोष नहीं है, सामने वाले का दोष ही नहीं है। और यदि जो परिस्थिति आई है तो उसको नियति समझ ले कि अरे ऐसा ही होना था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसका रोना अब हमको नहीं रोना है, ये ऐसा ही होना था। जो भूतकाल में घटनाएं घट चुकी है अब उसका परिवर्तन हम नहीं कर सकते, तो उस पर रोने का हमको कोई अधिकार नहीं है, और रोने से हमारा भविष्य सुखद होने वाला नहीं है। अब बीती बातों को भूलना ही होगा, कोई किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया तो अब उसको दिमाग से हटाना ही होगा, नहीं तो उसका मीटर हमारे चलता ही रहेगा और हमारा भविष्य हम खराब करते रहेंगे। भूतकाल को याद कर वर्तमान को खराब कर रहे हो और वर्तमान खराब होगा
तो आने वाला कल खराब ही रहेगा, आने वाला भविष्य सुखद नहीं हो सकता। अगर भविष्य को हमको सुखद बनाना है और हमको इससे ऊपर उठना है कि हम क्रोध कषाय से ऊपर उठे, तो हम इस बात को गहराई से समझे, हम अपनी बनिया बुद्धि का उपयोग करें कि हमारे भीतर में ये दोष है तो इससे नुकसान स्वयं का है और किसी का नहीं है, तो स्वयं का नुकसान नहीं करें। अब हमको स्वयं को जागृत रहना होगा। और कई बातें हैं जो हम स्वयं के अनुभव से ही उसको जान पाएंगे। हमारे भीतर में अधिकार लालसा को समाप्त करें, हमारा पर अधिकार नहीं है इन भावों और कोई विशेष इतना रखते हैं। और अब बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। एक प्रश्न आया था चैट बॉक्स में सेशन के दौरान कि कामना से कैसे बचें और कैसे रोकें, कामना क्या है उसे कैसे बचें, कैसे रोकें उसे। जी जी जी, देखिए एक ये कामना का विषय चल रहा था, कामना का विषय पूरा नहीं उठा पाए, तो उसको हमको समझना ही होगा कि कामना की पूर्ति जब होती है तब हमको सुख महसूस होता है, पर वो सुख नहीं है, सुखाभास है। हम समझे इसको एक उदाहरण से। एक भाई के भीतर कामना जगी कि मुझे कार चाहिए। अब कार की भावना जगी, हुआ यूं था कि वो अध्यापक था, और एक दिन देखा, अरे ये विद्यार्थी मेरा कहाँ पहुंच गया, मैंने इसको सिखाया पढ़ाया लिखाया और ये आज देखो कितना अमीर हो गया, इसके पास कितनी गाड़ियां है, मेरे पास तो गाड़ी है नहीं, और मुझे तो गाड़ी चाहिए चाहिए चाहिए। रात दिन सोचता रहा, कमाई की, और अरे मुझे तो कमाई करनी, मुझे तो अब गाड़ी चाहिए ही चाहिए। और जैसे ही उसके भीतर भाव आए गाड़ी चाहिए, तो उसने क्या किया कि पैसे कमा लिए और कमा के उसने गाड़ी के लिए अपनी गैरेज में अपना नाम दर्ज करा दिया, और हुआ ऐसे कि गैरेज से फोन आया, भाई साहब आज आपकी गाड़ी आ गई है। कामना थी ना, इच्छा थी ना, कितना सुख हुआ उसको, अरे गाड़ी आ गई। हम भी यही समझेंगे कि कामना पूरी हुई तो सुख मिला। अब गाड़ी दूसरे दिन घर पे आई, उस दिन आई भी नहीं, फिर भी आज कितना खुश है कि गाड़ी आ गई, घर पे नहीं आई अभी, फिर भी खुश है। अब गाड़ी आ गई तो भी खुश है। फिर गया, अरे जाके उसको बताता हूँ कि देखो मेरे पास गाड़ी आई है, अरे मेरे मित्र रहते हैं उनके पास भी जाता हूँ और बताता हूँ कि मेरे पास देखो गाड़ी आई है। तो जब उसके भीतर में ये भाव आने लगे कि मेरे पास देखो गाड़ी आई है, और गया बताने के लिए और सामने वाले ने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, तब क्या हुआ, दुख हो गया। कामना थी ना कि कोई मेरी तारीफ करे, गाड़ी की तारीफ करे और मुझे बताए कि क्या गाड़ी ली आपने, और किसी ने मेरी तारीफ ही नहीं की आज, तो दुखी हो गया क्योंकि कामना की पूर्ति नहीं हुई तो दुख हुआ। हमको यही महसूस होता है ना कि कामना पूर्ति से सुख होता है और कामना की अपूर्ति से दुख होता है, पर होता ऐसा है कि कामना पूर्ति का जो सुख था ना, कामना पूर्ति में सुख नहीं, सुखाभास है। और ये जब कामना की निवृत्ति हुई थी, जिस समय गाड़ी के लिए फोन आया था गैरेज से, और उस समय से लेकर जब तक गाड़ी दिखाने के भाव नहीं जगे थे, कामना नहीं जगी थी, तब तक का जो समय था उसमें उन्हें शांति का अनुभव हो रहा था, सुख का अनुभव हो रहा था। वो जो सुख का अनुभव था वो हमारे जैसे बुद्धि वाले सोचते हैं कि कामना पूर्ति का सुख है, वो कामना पूर्ति का नहीं था, कामना की निवृत्ति का सुख था कि इस समय कोई कामना नहीं है, इसका सुख था उसके भीतर में। किसका सुख था कि कोई कामना नहीं थी उसका सुख था, और कामना अपूर्ति में तो दुख स्पष्ट सामने दिखता है, उसका हम अनुभव भी करते हैं कि कामना अपूर्ति में दुख है। तो ये जो सुख है, हमने जिसको सुख मान रखा है कि कामना की पूर्ति होती है तो सुख होता है। जैसे कामनाएं क्या क्या है कि कामनाएं है कि मुझे अब जैसे आवश्यकता और इच्छा दो चीजें होती है,
कि शरीर की आवश्यकता नींद है, पर इच्छा कामना क्या होती है? एसी चाहिए, डनलप की गद्दी चाहिए, बिस्तर चाहिए, अच्छे चाहिए, अच्छा रूम चाहिए, ये सब हमारी कामनाएं हैं। और आवश्यकता क्या है? दूध है। तो इच्छाएं क्या है? कि इच्छा है हमारी कि दूध में केसर चाहिए, बादाम चाहिए, इलायची चाहिए, ये सब इच्छाएं हैं। तो आवश्यकताएं बहुत सीमित होती है, इच्छाएं असीमित होती है। आवश्यकताएं तन की होती है, इच्छा मन की होती है, कामनाएं मन की होती है। और जब तक हम इस मन को महत्व देते रहेंगे, तब तक फिर हम उस जड़ के ही गुलाम रहेंगे, वस्तु के गुलाम रहेंगे। क्योंकि कामना की पूर्ति वस्तु से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि भावनाएं आत्मा से जुड़ी हुई है, जो हमने पिछली बार देखा था। तो अब आपको और कोई समस्या हो तो बताइए।